नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सिंदूर में रख दें, बस एक चीज, माँ पार्वती देगी वरदान, भर देगी आपकी झोली, हो जाओगे सदा सुहागिन। दोस्तों, सिंदूर इस तरीके 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर अपनी मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर केवल सुहागन का गहना ही नहीं है बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति और मां पार्वती की महिला ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, मां पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर का ना सिर्फ सुहागिन महिलाओं के मांग में सजाने और पूजा पाठ में काम आता है बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्य वर्धन इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी भी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं मांग का स्थान जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वो अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनको जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत चला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, अकल वैध्य का कारण बन सकती है, तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है वो गलतियां जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं, तो किसी को लगता है कि प्यार सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्म शास्त्रों के मुताबिक हर सुहागिन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम 30 त्योहारों के दिन, सालगिरह का दिन, घर में जब भी कोई पूजा कार्य हो या खासकर करवा चौथ का दिन हो या तेज त्योहारों का हो तो उस समय आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, माँ पार्वती का सिमरन करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की, उनकी तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मानसिक धर्म के दौरान या घर में अगर सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। दोस्तों, विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ना ही किसी से सिंदूर ले, ना ही किसी को दे।
इसे संपदा जीवन में कले से बढ़ जाते हैं। रिश्ते में करवाहट आ जाती है, जो विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है। उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है और सफलता मिलने के कारण वे कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाएं। पति का भाग्य अधिक चमकेगा। अनजान स्त्री जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है तो ये अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही उनके आचरण व व्यवहार के बारे में जानते हैं, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से ही लगवाएं, यही शुभ कारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें हैं और इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंके, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, इससे असुविधा टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दे। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है, पति का प्यार बढ़ सकता है। अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो फिर आप पल्ला करके सिंदूर लगाएं। ये केमिकल वाले सिंदूर से बचें, ये सेहत को हानि पहुंचाता है, और द्रव रूप सिंदूर भी इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं द्रव रूप सिंदूर को चुनती हैं। लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। ये आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है, और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके उसे माथे पर सिंदूर लगाएं, इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सदैव नाकी पर ही सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है, ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इससे रिश्ते में दूरियां आती है। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वे विवाह के समय इस्तेमाल किया सिंदूर संभाल कर रखें। और दोस्तों, यदि सूर्य और मंगल आपके लिए अब मारक ग्रह और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सिंदूर को बेहतर जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में दिक्कत आ रही है तो सिंदूर का ये उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें, फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है या घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की ये बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कॉल लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, राधे राधे जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।